Hello everyone, this is Ashish Jain. In this video, we are going to take up another example, how to create table on website with the help of HTML. So, देखिए मैं आपको पहले एक example देता हूँ that this is a table that we are going to create on website. अब देखो यहाँ पर जो हमने पिछले last जो हमने example किया था वो काफी simple था. तो यहाँ पर देखिए changes क्या क्या हैं. First change देखिए आप यहाँ पर जो टेबल कैप्शन हमने यूज़ किया था अकाउंट स्टेटमेंट यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो देखिए अंडरलाइन फॉर्म में है. प्लस हमने यहाँ पर एक कलर हमने ऐड ऑन किया है एक्वा कलर जो यूज़ किया कैसे किया है. फिर देखिए यहाँ पर एक जो टेबल डेटा है वो यहाँ पर देखिए ब्लैंक है. फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको जैसे आप टेबल डेटा आप ऐड करोगे यहाँ पर देखो एक जो टेबल डेटा है वो देखिए दो आपके जो कॉलम है उसको कवर कर रहा है. तो उसका कैसे हम जो है एट्रीब्यूट करेंगे कौन सा हम टैग यूज़ करेंगे इसमें हम वो चेक करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद दी HTML टैग दैट इज HTML देन गिव हेड टाइटल से टेबल एट्रीब्यूट्स टाइटल क्लोज देन बॉडी देन लेट्स स्टार्ट विद द टेबल टेबल बॉर्डर इक्वल टू से 10. अब आप देख सकते हैं हमने टेबल बोर्ड डाल दिया. अब फर्स्ट हमें क्या करना है देखिए कैप्शन ऐड करना है फॉर गिविंग दी टेबल हेडिंग कैप्शन. कैप्शन आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन में है तो हम अंडरलाइन के लिए क्या यूज करते हैं यू एंड देन गिव अकाउंट स्टेटमेंट हमें फर्स्ट अंडरलाइन के लिए यू क्लोज करना है यू टैग and then close caption tag. अब देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ तक फिनिश हो गया है. अब स्टेप बाय स्टेप हम जो है यहाँ पर पहले हम देखिए टी आर ओपन करेंगे टी आर फॉर टेबल रो एंड देन फॉर टेबल हेडिंग टी एच. अब देखो फर्स्ट जो टेबल हेडिंग है वो देखिए ब्लैंक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर टी एच है ओपन किया. अब यहीं पे इसको क्लोज कर दीजिए बिकॉज ब्लैंक है हमें कुछ पुट करने नहीं है. देन पुट अप अनदर टेबल हेडिंग यहाँ पे क्या लिखा देखिए फर्स्ट में फर्स्ट होल्डर एंड देन क्लोज टेबल हेडिंग नाउ गिव अनदर टेबल हेडिंग दैट इज सेकंड होल्डर TH and then close first table row that is TR. Now open another table row then TD table data में देखिए क्या लिखा है PAN number as it is है जैसे हमें given है and then ABC 6 dollar RD TD ए बी सी 677 आर डी टी डी क्लोज. देन पुट अनदर टी डी दैट इज ए जे डबल जी 768 ए जे डबल जी 768 क्लोज टी डी. तो देखिए हमारा फर्स्ट रो ये सेकंड रो हमारी फिनिश हो गई है. तो फर्स्ट क्लोज टेबल रो एंड देन ओपन अनदर टेबल रो फिर टी डी है हमारा केवाईसी स्टेटस केवाईसी स्टेटस
लॉस टीडी, देन टीडी नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, then close another table row, now open another table row, then open td, td में देखिए यहाँ पर क्या आएगा, that is mode of holding, then close td, open another td. अब यहाँ पर देखिए जो td है, that is यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल जो आपका डेटा लिखा हुआ है, एंड दिस डेटा बेसिकली कवरिंग दी टू कॉलम. तो यहाँ पर इसके लिए हम एक अलग से जो है हम यहाँ पर एट्रीब्यूट करेंगे, विच इज कॉल्ड कॉल स्पैन, कि कितना कॉलम वो कवर कर रहा है, कितना कवर कर रहा है, टू कॉल्स में इक्वल टू टू. अब फिर वहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दैट इज सिंगल, एंड देन क्लोज टी डी, दैट्स इट. नाउ क्लोज दिस टेबल रो, एंड देन ओपन अनदर टेबल रो, देन टी डी टेक्स्ट स्टेटस, then close td, then td. देखिए यहाँ पर जो इंडिविजुअल वर्ड लिखा है वो भी आपका दो कॉलम को कवर कर रहा है. सो यहाँ पर हम करेंगे सेम कॉल स्पैन इक्वल टू टू इंडिविजुअल, एंड देन क्लोज td, देन क्लोज tr, देन क्लोज टेबल, then close body, last HTML. ठीक है, तो इसको सेव करते हैं, नाम देते हैं हम एग्जाम्पल नंबर टू eg2.html, सेव एज ऑल फाइल्स, सेव. लेट्स सी द लेआउट फाइनल आउटपुट. मैं देखिए यहाँ पर, अब देखिए हम देखते हैं हमारा क्या क्या डिफरेंस रह गया है. देखिए एक तो कलर नहीं है, सेंटर में नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए अपन, इसी में हम टेबल बॉर्डर में यहाँ पर हम ऐड करेंगे. पहले सेल स्पेसिंग में डालते हैं, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5, सेल पैडिंग इक्वल टू 5, बीजी कलर, कौन सा कलर था देखिए, एक्वा, एंड देन वो अलाइन में था सेंटर, तो अलाइन इक्वल टू सेंटर. नाउ प्रेस कंट्रोल प्लस एस, एंड देन सी द इफेक्ट इन द फाइनल आउटपुट. जस्ट रिफ्रेश दिस, आई थिंक आई हैव मेड समथिंग रॉन्ग हियर. यस, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक लिखी हुई है, अलाइन. नाउ रिफ्रेश दिस, सी दिस इज द वे ऑफ क्रिएटिंग टेबल. तो देखिए हमने यहाँ पर क्या कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर कैप्शन में आपको यू हमें यूज़ करना है, यू टैग फॉर अंडरलाइन. एंड जब भी हमारा कोई ऐसा सेल है जिसमें हमारा किसी दो या तीन कॉलम को कवर कर रहा है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करना है, सेल स्पेस. दो को कर रहा है तो सेल स्पेस इक्वल टू टू, थ्री हो रहा है तो इक्वल टू थ्री, फोर हो रहा है तो इक्वल टू फोर. देन अगर कोई डेटा अगर ब्लैंक है तो हमें क्या करना है, ओपन करना है फिर क्लोज करना है, दैट्स इट. सो
आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल. थैंक यू.